राज धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? जनाब मैं इस टाइम मौजूद हूँ रहमानाबाद मेन चौक में, और ये देखें सामने घंटाघर भी नज़र आ रहा है, खुशाब हाउस ठीक क्या ये भी नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ आप सामने देखेंगे तो ये बहुत बड़ी मार्केट, ये आप जैसे देख रहे हैं ये नज़र आ रही है, और ये हाई क्लास ब्राइडल ड्रेसेस की मार्केट है। और यहाँ पे हम चलते हैं लेके, मैं आपको जो आया हूँ शॉप पे, उस शॉप का नाम है धनक दिखला जा। या तो ये गाना है कि इस तरह है, धनक दिखला जा धनक दिखला जा, लेकिन ये धनक शॉप है और इसमें हम आए हैं आज, आपको भी लेके जाते हैं। और आज ऐसी क्लास की वैरायटी आपको दिखाएंगे कि आप भी कहेंगे कि वाकई धनक दिखला जा। और ये जनाब हम इंटर हो रहे हैं, और इंटर होते ही ये देखें मास्टर पीस यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपको समझ लें कि जो रेट्स मिलने वाले हैं अगर आप उसका जायज़ा लें तो यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में अगर सबसे हाई क्लास जो बनी जाती है ना ये ब्राइडल ड्रेसेस वगैरह, उनका स्टार्ट कराची से होता है। और कराची वाली वैरायटी जो कि आम आदमी सोचता है कि यार कराची की वैरायटी यहाँ पे कैसे लें, उसी क्लास की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और दिखाएंगे आपको, और ये देख लें आप कितने, आपको वैरायटी नज़र आ रही है सूट्स की भी, और क्या क्या यहाँ पे मौजूद है आप हमारे साथ देखेंगे आज। और ख़ास तौर पे मैं यूरोप के अमेरिकन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग चाहते थे, कहते थे खुर्रम भाई आप बहुत हाई क्लास जगहों पे नहीं जाते, तो मैं उन्हें बोलता था मैं हाई क्लास इसलिए जगह पे ज़्यादा नहीं जाता कि उनकी बहुत ज़्यादा प्राइस होती है। लेकिन ये मैंने स्पेशल ढूंढी है आप लोगों के लिए शॉप, क्योंकि ये शॉप के जो ओनर हैं उनको मैं जानता हूँ आज से 2-2.5 साल से, और ये बल्कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि आपको ख़ास तौर पे यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरफराज भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? व्यूवर्स को मैं वाजिया बता दूं, ये सरफराज भाई हैं और ये आदिल भाई हैं। वो दूर से लोग समझ रहे होंगे कौन है इनमें से, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, मैं आपके पास आज से 2 साल पहले भी आना चाह रहा था जी, बिल्कुल, लेकिन मैं पता नहीं किसी वजह से नहीं आ सका उस टाइम भी जी जी। और फिर मुझे कुछ ज़्यादा यूरोप से लोगों ने बोला कि यार कोई हाई क्लास ऐसे डिज़ाइनिंग पे हमें चेक करवाएं जिसे हम लोग भी ख़रीद सकें, क्योंकि एक तो आम किस्म की डिज़ाइनिंग होती है, हर क्वालिटी होती है, हर तरह के लोग होते हैं, ख़रीदार होते हैं। ये मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ, वैसे तो जो यूरोपियन अमेरिकन लोग हैं वो लोकल भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है उन्हें इस तरह की वैरायटी चाहिए होती है स्टिच में जो उन्हें मिल सके। तो सरफराज भाई अब आप मुझे बता दें कि क्या 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 आपके पास मिल सकता है? हमारे पास से भाईजान आपको जो है पार्टी वेयर ड्रेसेस हो गए, ब्राइडल हो गए, ब्राइडल में जो भी डिज़ाइनिंग आती है इसमें मैक्सी हो गया, फर्शी लहंगा हो गया, गरारा हो गया, मेहंदी के ड्रेसेस हो गए, और उसके बाद है जो हमारे पास है वो है शेरवानी। शेरवानियों के हवाले से भी हमारे पास, आप इवन किसी भी डिज़ाइनर की कोई पिक्चर भी हमें प्रोवाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ बनवानी है आपसे, तो वो भी हम आपको बना के। अच्छा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे अभी अभी याद आया, यकीन करें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कस्टमाइज बनवाना चाहते हैं, कनाडा और अमेरिका के लोग हैं जी, बिल्कुल, और कई दफ़ा वो गलत लोगों के हाथों में फंस जाते हैं, वो कस्टमाइज उन्हें बोल देते हैं कि हम कस्टमाइज करवा देंगे, लेकिन वो करवा के नहीं देते। अब जो काम हमने आपका देखा है, यानी ये तो वही काम है जो सारा कस्टमाइज हुआ हुआ या हो सकता है, मैं रिकमेंड करूंगा व्यूवर्स को कि जो कस्टमाइज करवाने वाले जिन्होंने स्पेशल वीडियो मेरे से बनवाते हैं ना कि भाई कस्टमाइज वाले शॉप पे जाओ, तो वो इनसे आराम से करवा सकते हैं क्योंकि इनके पास वो फैसिलिटीज मौजूद होती हैं जी, बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करें, क्या क्या वैरायटी है, कहाँ से चलेंगे? मैं स्टार्ट लूंगा सबसे पहले फर्स्ट डे के ब्राइडल ड्रेस से जो हमारा बना हुआ है प्योर वेलवेट शिफॉन पे। आपने वेलवेट बड़ी सुनी हुई होंगी, माइक्रो लोकल वेलवेट उस पर हम डील करते ही नहीं। अच्छा प्योर वेलवेट का ये है कि उसकी फॉल बड़ी अच्छी आती है, दूसरे उसके कलर्स जो होते हैं वो डिमांड के मुताबिक डाई हो जाते हैं। अब ये देखें आप, जबरदस्त, ये कंप्लीट साटन मटेरियल यूज हुआ है जो आर्टिफिशियल ज्वेलर्स यूज करता है,
ये वो मटेरियल हमें इसमें यूज़ किया हुआ है, इसकी कंप्लीट 10 साल की गारंटी है कि काम काला नहीं होगा और इसकी शाइन भी ख़त्म नहीं होगी। बेहतरीन। अच्छा ये किसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा लग रही है ना, मटेरियल एक नंबर लग रहा है। वही ना, अगर कहीं मैंने देखे वो डिम सा होता है थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्रंट है, ये इसकी बैक है, ये बैक है। ये ले, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा इसका कितना होगा ये जो फ्लेयर इसका बना हुआ है? ये फ्लेयर इसका बना हुआ है तकरीबन 85। फ्लेयर बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, जो भी कस्टमर की डिमांड होगी कि हमें फ्लेयर चाहिए 90, 100, 120 फ्लेयर हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर शर्ट आएगी कि ब्लाउज आएगा? ये हाई वेस्ट लहंगा बना हुआ है, नॉर्मल तो हिप्स के ऊपर बांधने होता है, ये कमर के यहाँ पे आएगा वेस्ट के ऊपर, हाई वेस्ट, जबरदस्त, ठीक है। और इसका जो ब्लाउज है, ओ वाह वाह वाह, व्यूअर्स ब्लाउज करीब से चेक करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी फुल वो दिखाता हूँ। और ये देखें क्या बात है, अब मटेरियल देखें व्यूअर्स, ये वो मटेरियल आपको मेरी वीडियो कोई भी उठा लें पुरानी, तो ये मटेरियल नहीं आपको नजर आने वाला, ये चीज देखें। अब ये चीजें बोल रही हैं, अपना आप बता रही हैं कि यार ये क्या बनाया हुआ है इन्होंने। उसी तरह रखें सर, इसी तरह रखें, मैं एक दफा व्यू दिखा दूं पूरा। ये लें सर, ये इसका बन गया फुल व्यू, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी जी जी, जबरदस्त हो गया सर, जबरदस्त। ये सारा तो मैंने दिखा दिया, और दुपट्टा का क्या दिखाता हूँ जी, इसका दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा ये जी इसका दुपट्टा शानदार, व्यूवर चेक कर लें, इसको बोलते हैं जाल। और ये मेरा ख्याल है कितना मीटर के हिसाब से कितना होगा सर ये 3 गज बना हुआ है, लेकिन आजकल कुछ डिमांड्स दुपट्टों की लेंथों की ज्यादा हो गई हैं, कुछ कहते हैं 3.5 गज चाहिए, कुछ 4 गज मांगते हैं, क्या वो भी हम बना के। अच्छा वो इसकी ये, अच्छा ये भी वेलवेट है जी, इसकी हमने एप्लिक लगाई हुई है 4 साइड वेलवेट, बीच में प्योर ब्रीजा का दुपट्टा बना, बेहतरीन सर, ब्रीजा के ऊपर कंप्लीट जो है ना वो साटन जो नग है उसका छट्टा डाला हुआ है, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर इसकी अब आप मुझे बताएंगे कि क्या प्राइस वगैरह या क्या होगा? प्राइस इसकी जो है वो सरप्राइज है, आप कंपैरिजन करें जरा इसको हमारे इन काम को, कराची के मटेरियल जो बनाते हैं कपड़े ये वाले, लाहौर के जो कपड़े बनाने वाले हैं अच्छे काम करने वाले, आप उनसे हमारे काम को कंपेयर करें, फिर जब आप हमसे प्राइस वगैरह पूछेंगे तो आपको उसमें भी ज्यादा बेहतर सरप्राइज मिलने वाला है जी, सरप्राइज जबरदस्त हो गया। आप व्यूअर्स देख लें एक दफा कि कितनी जबरदस्त बात की है भाई साहब ने। जी जी सरफराज भाई, अच्छा अब मैं आपको सेकंड डे का दिखाने लगा। ओ वाह जी वाह, व्यूवर चेक करें क्या शानदार टेल वाला, जी बैक स्मार्ट टेल के साथ है, और काम में कंप्लीट बारीकी इसके अंदर स्टिच हुई हुई है, जिसे सिंगल रेशम का टांका कहते हैं, ये सारा उस काम में स्टिच हुआ हुआ है, बेहतरीन बेहतरीन। ये इसकी जॉक इसे बोलेंगे ना जी, ये बॉडी है इसकी, ठीक है, इसके साथ हाई वेस्ट लहंगा है, ठीक है ठीक है, और ये ऊपर मैक्सीज की बनी है जी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप ये क्या लगाते हैं यार? ये मैंने तो यहाँ देखा है ये चीज़ें लगी हुई हैं, मैंने कराची में देखी हैं, यहाँ मैंने इंडियन शॉप देखी थी दुबई में, जिस पे ये मटेरियल मैंने इस तरह का लगा देखा था, यहाँ पिंडी में तो मैंने ये किसी के पास नहीं देखा। असल में हम काम ही फर्स्ट टाइम आपके पास हूँ अंदर इस शॉप पे, हम काम ही सिग्नेचर वर्क में कर रहे हैं, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि सर बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए और प्राइस का मसला नहीं हो, क्वालिटी हमें चाहिए। बैक इसकी सर चेक करो जी, मैं बैक आपको दिखाता हूँ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, कई शॉप्स होती हैं ना वो डायरेक्ट उनके सिले सिलाए होते हैं जी, आपका क्या ये सैंपल लग रहा है मुझे तो जी, हमारे कंप्लीट हमारे पास आप जितने भी डिजाइन इस टाइम देख रहे हैं सारे हमारे सैंपल होते हैं, टोटली कस्टमाइजेबल और ऑर्डर पे बनेंगे, रेडीमेड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक 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 ठीक, यानी कि टोटल कस्टमाइज काम। यानी अब कस्टमर अगर मुझे कहता है कि हमें बैक का जाल हमें नहीं चाहिए, हम जाल लेस कर देते हैं, घेरे पे बॉर्डर आ जाता है, बीच में घना छट्टा आ जाता है, इससे प्राइस में रिडक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी प्राइस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जी, वो चेक कर लें, ये बात क्लियर कर दी अब सरफराज भाई ने कि भाई कस्टमाइज है टोटल हमारे पास, हमारे पास वो काम नहीं है कि जो आप करें। इसको सर जरा टिकटॉक करें ना घुमाएं, जबरदस्त जबरदस्त हो गया सर। अच्छा इसमें कलर्स वगैरह सारा कुछ चेंज हो सकता है जी, फैब्रिक का कलर या वो? बिल्कुल चेंज हो सकता है जी, ठीक होगा, प्योर मटेरियल है 100% प्योर, जो सा कलर कहेंगे वो चेंज हो जाएगा। जो उसके जो दुपट्टे का हमारा बॉर्डर बनता है, ये जो फ्रंट ओपन का ये बॉर्डर है, ये हमारे दुपट्टे के ऑल अराउंड बनता है। ठीक है, अभी ये दुपट्टा दिखाएंगे आप? इसका दुपट्टा हमने रेडी नहीं रखा है, कस्टमाइजेबल होता है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। अच्छा वो उसके मुताबिक आप बना? बिल्कुल जी, ठीक जी जी सरफराज भाई। अच्छा ये क्या सर? जी खुर्रम भाई, ये हमारे पास प्योर रॉ सिल्क के ऊपर और जामावार के ऊपर ये फर्शी लहंगा बना है,
और ये भी सारा साटन मटेरियल है, एंटीक गोल्ड कलर में सारा। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। और इसका दुपट्टा कैसा होगा सर? इसका दुपट्टा भी बड़ा अच्छा और डिटेल में काम में बना हुआ है। ये देखिए जी दुपट्टा बेहतरीन जनाब बेहतरीन, ये टोटली छट्टा हैंडमेड है तिल्ले के साथ। ये भी वर्षा कर लें। और अच्छा ये देखें इसके इनके वो भी वो स्टिच हैं ये जो लगे हुए हैं सितारे सारे, ये सब स्टिच है व्यूअर्स। और इसमें आप एक चीज ये भी हमारी स्टिचिंग की क्वालिटी भी देख सकती हैं, ये देखें इसमें स्टिचिंग की क्वालिटी, ये सारा रशियन टिश्यू लगा हुआ है, कोई बबल इसमें नहीं आ रहा। इवन हमारी शर्ट की डिटेल में भी आप स्टिचिंग देख सकते हैं, आप अगर करीब करके दिखा सकते हैं फोरम भाई। अक्सर आपने कपड़ों में देखा होगा कि यहाँ पे जब तरपाई हुई हुई होती है बबल्स आ रहे होते हैं, तो ये स्टिचिंग की फिनिशिंग है। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, ये स्टिचिंग की फिनिशिंग है सारी। और ये देखें स्कैलप्स की फिनिशिंग कंप्लीट जबरदस्त जबरदस्त, ये स्टिचिंग की हमारी डिटेल्स। इसकी बैक कैसी होगी सर? अभी फ्रंट एक दफा ऐसे रहने दें, ऐसे रहने दें एक मिनट। हाँ ऐसे अब ठीक है, अब इसकी बैक करें। इसकी बैक जो है उस पर छट्टा है बूटी का। अच्छा वैसे इस तरह के ना मैंने कई दफा YouTube देखी है, उसकी क्या नाम है काशीज की ना, काशी जी, उस तरह के उसके भी बने होते हैं। अच्छा अच्छा लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, वो तो 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए मांगते हैं। ये देखें इसकी बैक रिवर्स चेक कर लें, ये देखें। अच्छा वाकई आपने ये सच कहा है कि इसमें किसी जगह बबल नहीं नजर आ रहा जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बोली, जबरदस्त हो गया सर। और जी सरफराज भाई ये क्या है? ये जी फर्शी लहंगा, इसको एज अ फर्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, सेकंड डे भी यूज कर सकते हैं और निकाह के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओ हो, ये क्या मटेरियल है सर? ये टिश्यू है सेल्फ प्रिंट में। अच्छा जी व्यूवर्स ये चेक कर लें, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब कुछ इस टाइम सैंपल है, ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है सब कुछ कस्टमाइज आपको करके देंगे। ये देखें व्यूवर्स क्या बात है, क्या बात है, ये देखें व्यूवर्स शानदार। अच्छा एक चीज है कि आपके मटेरियल जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल लोगों का ये हाथ लगे, इतनी सफाई है इसके अंदर कि पता चल रहा है कुछ चीज है बेहतरीन, जबरदस्त। ये जी इसका दुपट्टा फोन भाई शानदार। अच्छा सेल्फ प्रिंट है ना ये? जी ये भी सेल्फ प्रिंट है। ये देखें व्यूअर्स, और वो वाली बातें सरफराज भाई ने जो बोली है ना कि किसी जगह कोई बबल नहीं है इनके अंदर आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट है। थोड़ा टाइट करें सर। हाँ ये देखें व्यूअर्स बिल्कुल स्ट्रेट, कोई इसमें वो नहीं चीज नजर आ रही। और इसकी भी देखें आप फिनिशिंग, ये भी जो हमने वेलवेट यूज की है ये भी प्योर शिफॉन वेलवेट है, तो इसमें हमने कोई माइक्रो या कोई वो जो आम लोकल वेलवेट होती है वो हमने पाइपिंग में भी यूज। माइक्रो वाली तो सस्ती होती है ना? वो सस्ती होती है, ये प्योर है जो एक्सपेंसिव भी है और फाइन भी। इसमें कोई शक नहीं है, कई लोग ना समझते हैं माइक्रो नंबर वन है, हालांकि वेलवेट में भी 7 किस्म की आ रही होती है। और ये सबसे अच्छी वेलवेट जिसे प्योर कहते हैं, जैसे हमारे प्योर रॉ सिल्क होगी, प्योर क्रिंकल हो गया, इस तरह प्योर वेलवेट ही है, बेहतरीन हो गया सर। जी जी सरफराज भाई जी खुरम भाई, अब हमारे आप जो लास्ट में आपको दिखाने लगा हूँ फर्स्ट डे का, ओए होए ये ज्वेलरी मटेरियल में बना हुआ है, इसमें ज्वेलरी मटेरियल गोटा जरदोजी मिक्स स्टिच हुआ हुआ सारा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात। इसमें अगर आप करीब से दिखाएं हमारे व्यूअर्स को, मैं बिल्कुल दिखाऊंगा व्यूअर्स को, एक एक बूटी के अंदर जो डिटेल स्टिच हुई हुई है वो इसमें बड़ी वाजिया आपको नजर आ रही होगी वीडियो में। यही चीज है, मैं मुझे अक्सर लोग बोलते थे कि यार जो गाड़ियां रहमानाबाद रुकती हैं या चांदनी चौक गाड़ियां जो रुकती हैं या रहमानाबाद रुकती हैं तो वो मोती बाजार क्यों नहीं रुकती हैं? तो ये वजह साफ नजर आ रही है जी, ये वजह है। ये इसकी टॉप है जी, ये देखें बस क्या बात है। और जो बोला है सरफराज भाई ने कि आप कराची लाहौर की वीडियो देख लें उसके बाद हमें बेशक कॉल करें तो आपको सरप्राइज मिलेगा कि प्राइस इतनी मुनासिब आपको मिलेगी यहाँ से। किसी भी डिज़ाइनर का कोई भी पीस उनको पसंद हो बिला झिझक हमसे रब्ता करें, उनको हम इतनी एक तो प्राइस बहुत मुनासिब देंगे, दूसरा उनको हर स्टेप से आगाह करेंगे बेहतरीन, मतलब कपड़े के कलर से काम स्टार्ट होने से स्केच बनने से हर चीज से उनको स्टेप बाय स्टेप आगाह किया जाएगा, बेहतरीन हो गया सर। अच्छा इसकी बैक सेम है ये जो? ये फ्रंट एंड बैक सेम है, और इसकी ब्लाउज की जो बैक है उसमें चेक बेहतरीन। और इसका दुपट्टा सर कैसा? इसका दुपट्टा भी आपको दिखाते हैं,
ये प्योर क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। वाह वाह वाह। लेंथ बढ़ाना चाहें बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा तो फिर वो ही बन सकता है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कपड़ा ये। ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं सर, ये देखें व्यूअर्स। अब इसमें आप ये दिखाएं, अगर ये स्टिचिंग चेक करें, एक एक करदाने की डिटेल सर, सारी फाइन स्टिच हुई है। देखें मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें हैं और मुझे इतनी प्यारी लग रही है ना ये दूर से देख के, आप यकीन करें, आप आपके कहने से पहले मैं स्टार्ट हो जाता हूँ बताना कि यार वाकई वैरायटी है, कोई पता होता है ना कुछ चीज तो हुई है थोड़ी बहुत आगे पीछे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सरफराज भाई जी, खुर्रम भाई, ये सेकंड डे का ड्रेस है, जबरदस्त, क्या बात है सर, क्या बात है। ये भी सारा बारीक मटेरियल में स्टिच हुआ हुआ है, कस्टमर इसको कस्टमाइज कर सकता है, गोल्डन में करना चाहे मटेरियल को गोल्डन कर ले सकता है, एंटीक डार्क एंटीक करना चाहे डार्क एंटीक भी कर सकता है, फ्लेयर को बढ़ाना चाहे फ्लेयर भी बढ़ा सकता है। इसके नीचे लाइनिंग जो है वो शिमर की लगी हुई है, अगर शिमर ज्यादा नहीं पसंद, कुछ कस्टमर लाइक नहीं करते, प्लेन सिल्क की लाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फ्रंट है इसका, बेहतरीन, बैक सेम है क्या जी? फ्रंट एंड बैक सेम है, जबरदस्त जबरदस्त हो गया, बेहतरीन, शानदार। इसका कोई दुपट्टा भी होगा साथ जी? इसका दुपट्टा इसके साथ कंट्रास्ट बना हुआ है हमारे पास, बेहतरीन। इसमें मल्टी टच ये दे रहा है बीच में शेड जी, मल्टी शेड्स में अंदर जो सारे लगे हुए, टाइगर सारा लगा हुआ है, जबरदस्त, और साटन बैटरी लगी हुई है जो मल्टी शेड देती है, बेहतरीन। व्यू चेक करें, ये इसके साथ दुपट्टा जी, सॉफ्ट पीच कलर, पाउडर पीच कलर में दुपट्टा बना हुआ है, जबरदस्त जबरदस्त। व्यूअर चेक करें, एक एक चीज में ऐसी फिनिशिंग है ना, ये देखें, हालांकि सैंपल है ये जी, आपने सैंपल भी बड़े संभाल के रखे हुए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि सैंपल भी आपने बड़े तरीके से रखे जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन हो गया। और व्यूवर्स को मैं ये भी बताता चलूं कि ये वीडियो नहीं बनाते जी, मैं इनकी, इनकी, इनके पास हम आए हैं वो साहब की सिफारिश के साथ, आदिल भाई को सिफारिश करवाई है हमने किसी से, उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं हम, ये वीडियो नहीं बनाते। आप दो साल पहले भी मैंने कोशिश की थी, याद होगा आपको, बेहतरीन हो गया सर जी। सरफराज भाई जी, खुर्रम भाई, ये भी हमारे पास प्योर वेलवेट भी बने हुए हैं, वो तो शाइन से ही पता चल रहा है जी, हालांकि आपकी लाइट्स कम है, मैंने आते ही आपको बोला है कि लाइट्स आपकी कम है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी देख लें कि आपने काम अच्छा सिला हो तो वो खुद बहुत चमक बताती है इसका, बेहतरीन। अच्छा, ये क्या लहंगा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है? ये भी हाई वेस्ट लहंगा है, ठीक है, और इसमें काम सारा जरदोजी और जैपनीज कटदाने का मिक्स स्टिच हुआ होगा, जैपनीज कटदाना जी, बिल्कुल। व्यूअर चेक कर लें, ये जितने भी आप इसमें ये नग देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, ये सारे बारीक और साटन नग लगे हुए हैं। इसकी देखें, जैसे आपने जिक्र किया कि लाइटिंग कम है, लेकिन इसकी अब ये शाइन देख सकते हैं, यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी चमक कैसे, हालांकि लाइट कम है आप जी, बिल्कुल, और मैंने आपको अब यही बोला है कि लाइटें बढ़ाएं आप, लेकिन ये इतना मटेरियल आपका शाइन कर रहा है कि मैं हैरान हूँ कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया। व्यूअर्स ये देखें कि ये इस टाइम बैकग्राउंड भी इनकी तकरीबन पीछे वाइट है और उसके बावजूद इतनी अच्छी शाइनिंग इनकी हो रही है, शानदार। दुपट्टे सर आपके बहुत बड़े हैं सर, बहुत बड़े दुपट्टे हैं, ये तो मुझे 3 गज से भी ज्यादा बड़ा लगा, ये तकरीबन 3.25 गज, 3.25 है ना जी, बिल्कुल। इसका मतलब मुझे तजर्बा हो गया काफी जी, बिल्कुल, वीडियो बना बना के देख के ना, ये चेक करें व्यूअर्स, ये देखें, ये हैं क्वालिटियाँ, ये हैं क्वालिटियाँ। मुझे एक मेरा दोस्त था, एक मिनट में लूंगा जी, उसने एक दफा एक बात ना शेयर की इंस्टाग्राम पे, तो कहता है कि एक ना जज साहब थे, तो वो जज साहब जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की उन्होंने टिकट ली थी, तो फर्स्ट क्लास की टिकट, सॉरी टिकट के लिए की कोशिश, वो उन्हें जगह नहीं मिली, तो मजबूरी में उन्हें थर्ड क्लास जाना बैठना पड़ा, ठीक है। तो वो थर्ड क्लास में जब बैठे ना, तो थर्ड क्लास में उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की ना 65 की जंग लगी हुई थी। अच्छा। तो उसमें लोगों ने कहा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप तो पढ़े लिखे जज हैं, तो कहते हैं मुझे लगता है कि हम ज्यादा दिन मुकाबला नहीं कर सकेंगे, तो थर्ड क्लास वालों ने ना उसको मारा जज को। अच्छा। तो फिर उस टाइम जज साहब ने कहा कि मेरी गलती है, मुझे फर्स्ट क्लास वाली बात जो है ना वो थर्ड क्लास की जगह पे नहीं करनी चाहिए थी। अब समझे, इसी तरह जो लोग हैं ना खरीदने वाले जी, 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 जो क्लास के लोग हैं ना, उनको ये चीजें पता चल रही होती है कि ये चीजें क्या हैं जी, बिल्कुल ऐसे हमें क्या दिखाया जा रहा है जी। सरफराज भाई, ये सर खुर्रम भाई, ये लास्ट पीस है, मैक्सी है, अनारकली स्टाइल में है, इसको हमने थोड़ा सा डीप किया हुआ है अपने डिजाइन के हवाले से, लेकिन अगर कस्टमर इसकी
डीपनेस को कम करना चाहे काम बढ़ा सकता है। इसको जरा करें ना सर, अभी इसका फ्लेयर है जी, ये 100 अबव फ्लेयर 100 से ज्यादा ही है। ये जब मेरे कैमरे में पूरा ना आए मुझे खुद पता चल जाता है ये 100 है। अच्छा एक चीज जो मैंने सरफराज साहब चीज जो नोट की है सबसे ज्यादा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जी जी। जितने व्यूअर्स हैं मेरी हाँ में हाँ मनाए जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो मानेंगे जी जी। अली जिशान कराची वाले जी बिल्कुल बहुत बड़े डिजाइनर हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। काशी की नहीं मैं बात करता, अली जिशान की उसकी वो मशहूर पता है किस वजह से है जी जी। उसकी जो ये स्टिचिंग है ना ये जो इसकी होती है काम की जो स्टिचिंग होती है मटेरियल की स्टिचिंग बिल्कुल एग्जैक्ट है उसी जगह पे जिस तरह आप ये दिखा रहे हैं लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके लोग किस इलाके के हैं क्या कैसे हैं लेकिन ये देखे ना ये टोटली हैंडमेड है। यही मैं कर रहा हूँ देखें एक जगह से हालांकि ये सैंपल है आपके पास ये आपने कई दफा दिखाया होगा लोगों को जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये अपनी जगह फिक्स है स्टिचिंग के वो मास्टर माना जाता है वो बंदा टांकों का जिसे बोलते हैं उसी लेवल पे आपका काम। ये भी टोटली जितना भी आप इसके अंदर ये मटेरियल देख रहे हैं सिर्फ पर्ल्स को हटा के और रेशम को हटा के बाकी ये भी सारा साटन मटेरियल यूज हुआ। क्या बात है, इसे फाइन मटेरियल कहते हैं जिसकी शाइन भी फाइन रहती है लंबे अरसे तक ये काम काला भी नहीं होता। इसमें कोई शक ही नहीं सर, कमाल है ये, कमाल है। और ये जिस तरह की आप मैक्सिमम मुझे दिखा रहे हैं ना इसके अंदर ये जो अभी हमने ये फूल सा बना हुआ आपने मुझे दिखाया है जी बिल्कुल इसी की सारी ग्रेस होती है। अगर यही आपके उखड़े हों सारी बुनियादी इनकी बुनियादी मेन ये है जी बिल्कुल बेहतरीन हो गया। ये इसकी बैक है, बैक हमने थोड़ा लाइट करके बनाई है सर ठीक है। ये पैनल इसके जो है ये मल्टी कलर में है, अगर कुछ कस्टमर्स इसको हैवी करना चाहे तो हर पैनल के ऊपर एक बेल की लाइन भी बना सकता है। ठीक है ठीक है। और फ्रंट बैक सेम जी बिल्कुल और फ्रंट बैक सेम भी कर सकते हैं। मैंने सरफराज साहब आपसे पूछनी है यार ये कहाँ से लेके आए हैं ये छोटे छोटे, ये आम जो मैक्सिया मिलती है उनके ये साइज इस तरह के नहीं होते, ये बिल्कुल मटेरियल फर्क है। ये सारा फाइन मटेरियल है, ये जिस तरह हमारे कामों में भी चंद दुकानदार अच्छे काम करने वाले होते हैं ये देखें भी और ये चेक करें, इसी तरह हमारे मटेरियल सेल करने वालों में भी चंद ऐसे दुकानदार होते हैं जो अच्छा और फाइन मटेरियल सेल करते हैं। अच्छा इसमें मैं व्यूवर्स को ये भी बोलूंगा कि आप हमारी आम वीडियो जो दूसरी मैक्सिमम की है उसको इसके साथ कंपेयर करके भी देख लें तो आज आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस मार्केट में खड़ा हूँ। अच्छा सरफराज साहब प्राइस तो आपने सारी इसकी रखी है, सरप्राइज रखी है, सरप्राइज रखी है। अच्छा एक तो आप सरफराज हैं, सरफराज कभी झूठ नहीं बोलता जी बिल्कुल, वो ट्री उसमें वो बोल रहा था ना जी बिल्कुल हाँ। उसमें सरफराज झूठ नहीं बोलता, सरफराज धोखा नहीं देता, धोखा नहीं देता तो ये तो बात क्लियर है ना फिर जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और देख लें साथ ही अजान की आवाज भी आई है जी जी इंशाल्लाह, जिस तरह हम बता रहे हैं और इसी पे इंशाल्लाह पूरे भी उतरेंगे। इसमें कोई शक नहीं सर, इतनी बड़ी मार्केट में बैठे हैं, करोड़ों का कारोबार है, ऐसे तो नहीं ना कर रहे होते जी जी बिल्कुल। बेहतरीन हो गया सर, प्राइस आपने सरप्राइज रखी है जी बिल्कुल। और अब मुझे आपने ये बताना है, आपने मुख्तसर से मुझे सिर्फ डिजाइन दिखाए हैं जबकि आपके पास बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है इस टाइम, क्योंकि 20 मिनट्स तो वैसे ही हो चुके हैं। हमने मुख्तसर डिजाइन इसलिए दिखाए हैं कि कस्टमर एकदम से सेटिस्फाई हो जाए कि हमें फाइन काम करवाने के लिए अच्छे दुकानदार मिल गए, वो ज्यादा उस पर वो ना सोचे कि क्या डिटेल होगी क्या बना के देंगे। मैंने आपको जितने भी ब्राइडल दिखाए उसमें हर तरह की डिटेल्स में स्टिच हुई हुई है स्टार्ट टू एंड, ठीक हो गया। तो उसमें ये है कि आपको किसी चीज की भी घबराहट की जरूरत नहीं होगी ऑर्डर देते हुए, इवन कोई भी तस्वीर का डिजाइन आप देते हैं हम आपको अपने ही डिजाइन से उसके काम के तर्ज का भी समझा दिया करेंगे कि ये काम इसमें से। सर घबराहट तो हमारी वो झंडा देख के खत्म हो गई थी, जब आप कह रहे हैं घबराना नहीं है तो वो झंडे का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं। और आदिल साहब भी आ गए हैं, अजान हो रही वाली है, बस वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा सर ये सारा कस्टमाइज है आपका, सारा कस्टमाइज है टोटली, और ये जो भी आपको कॉल करेगा आप कस्टमाइज कर देंगे, कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही। सर एक दफा एड्रेस अपना कंप्लीट बता दें, आदिल साहब भी मौजूद है। हमारा जो शॉप का एड्रेस है, शॉप का नाम है धनक रहमानाबाद चौक में, बहुत मशहूर है शालीमार क्लब, उसमें हमारा शॉप का जो नाम है जो नंबर है 4 एंड 5 शालीमार क्लब रहमानाबाद चौक मरी रोड रावलपिंडी। थैंक यू।